नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन के लिए आज अमरनाथ यात्रियों का जत्था बड़े ही धूमधाम से रवाना हुआ। आपको बता दें कि श्री शिव शक्ति सेवा मंडल बुढ़लाडा पंजाब की शाखा धामपुर के संयोजक सुनील अग्रवाल पचरंगी के नेतृत्व में 21वीं अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था रवाना हुआ। फल चौक स्थित मंदिर श्री ठाकुर द्वारा बजरिया में बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन जाने वाले जत्थे में शामिल शिव भक्तों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता, समाज सेवी डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, दिनेश चंद्र अग्रवाल नवीन, डॉक्टर दीप सौरभ पाठ, वरिष्ठ भाजपा नेत्री रचना पाल को माला पहनाकर एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि कठिन परिस्थितियों वाली अमरनाथ यात्रा में शिव भक्तों को धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। सभी ने शिव भक्तों की इस यात्रा की शुभकामनाएं दी और शिव महिमा का वर्णन किया। नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा, उपस्थित सभी शिव भक्तों को प्रणाम। जितने भी शिव भक्तों को अवसर मिला है बाबा बर्फानी के दर्शन का, उन सबकी यात्रा मंगलमय हो, सब लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे। मुझे अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है बाबा बर्फानी के दर्शन का, लेकिन एक बार मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तौर पर जाए तो दर्शन तो जब ही होते हैं जब भोले बाबा का बुलावा हो। निश्चित तौर पर अभी शायद मेरा बर्फानी बाबा के यहाँ से बुलावा नहीं आया है। जब भी बुलावा आएगा मुझे अवसर मिलेगा, मैं भी आप लोगों के साथ श्री पचरंगी जी की सानिध्य में अमरनाथ बर्फानी यात्रा अवश्य करूंगा। मेरा पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, और खासकर पचरंगी जी को जो निरंतर 21 वर्षों से इस यात्रा को कराते आ रहे हैं। लोग बहुत वहां पे दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन अपने आप में इन सब लोगों को एक साथ ले जाना, निरंतर 21 वर्षों से सेवा करना, इसके लिए पचरंगी जी को बहुत बहुत साधुवाद, उनकी श्री शिव शक्ति सेवा मंडल को भी साधुवाद। और जय हो भोलेनाथ की, जय हो, जय हो परम पिता परमेश्वर आज की, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम का संचालन पवन संगम ने किया। उसके बाद शिव भक्तों का जत्था फल चौक पहुंचा, जहां अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया गया। उसके बाद शिव भक्तों का जत्था भगत सिंह चौक खारी कुआ मुख्य डाकघर होते हुए नगीना चौराहे पर पहुंचा, जहां से वह बस द्वारा हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। जत्थे में युवा मित्रगण, समाज सेवा समिति धामपुर के कार्यकर्ता नमन जैन, अंकित जैन, सत्यम रस्तोगी, शिवांश गुप्ता, यज्ञ कौशिक, सचिन पंडित, शिवम गोस्वामी, वीरेंद्र पुष्पक, अमर राठौर, मदन गोस्वामी, लोकेश शर्मा, आकाश शर्मा, हितेंद्र ध्रुव सहित मंडल कमेटी के अध्यक्ष विभुवंशल सदाफ, पवन अग्रवाल एडवोकेट, विनीत कौशिक, ललित गर्ग, आशीष अग्रवाल आदि शिव भक्त मौजूद रहे। संस्था के संयोजक सुनील अग्रवाल पचरंगी ने जानकारी देते हुए बताया, हमारी धामपुर से 21वीं यात्रा है श्री शिव शक्ति सेवा मंडल बुढ़लाडा पंजाब धामपुर पचरंगी जी और इन सब लोगों का सहयोग। और इस यात्रा में हमारे साथ दूर दूर के अफजलगढ़, बानियावाला, नगीना, हीरापुर, केंडी घाता, नूरपुर, शेरपुर, काफी दूर दूर के यात्री, पिपरजोत, दूर दूर के काफी यात्री यात्रा में शामिल है। और कितनी भी यात्रा है और जितनी भी यात्रा अभी तक भोलेनाथ की कृपा से हुई है सब सफल हुई है। और उसके लौटने के बाद जब यात्रा सफल हो जाती है उसके बाद आकर के यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, क्यों कि हम वहाँ पर भंडारा खाकर आते हैं। वहाँ भी भक्तों की दिन रात सेवा चल रही है, मेडिकल, खाना पीना, रहना हर तरह से वो भी भक्तों की खूब सेवा करते हैं। इसलिए हम भी यहाँ आकर के भंडारा कराते हैं। और सबसे निवेदन है आने वाली 17 तारीख को यात्रा सहकुशल वापिस लौटे की, और हम यहाँ से बस द्वारा हरिद्वार, हरिद्वार से ट्रेन, ट्रेन के बाद छोटी गाड़ी पहलगांव, पहलगांव के बाद चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से जोजीपाल, शेषनाग, जोजीपाल और बिस्टू टॉप, कोसपत्री, चंदनवाड़ी होते हुए हम शेषनाग पहुँचेंगे। वहाँ भोले बाबा के दर्शन करेंगे,
और हमारी शहरी यात्रा भगवान भोलेनाथ की कृपा से सफल होगी और वापिस में वैष्णो देवी के दर्शन करके भोलेनाथ की कृपा से ये वापिस जत्था 12 जुलाई को वापिस लौटेगा। जत्थे में कितने लोग हैं इस बार? जत्थे में हमारे कुछ जो जत्थे के लोग हैं, कुछ लोग 8 चले गए हैं समय न होने वजह से, वो भी जत्थे के ही साथी हमारे, और 12 और अंदर 100 से भक्त का जत्था अभी हमारे। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।